अपने जैसे एक आर्मेचर अभी थ्री फेज अल्टरनेटर का आर्मेचर है, ठीक है। इसमें जो वाइंडिंग करके रखी है वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जैसे वाइंडिंग होती है, ठीक इसी प्रकार की वाइंडिंग इसमें भी होती है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर पहले आप पढ़ चुके हैं, जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर का डेवलपमेंट डायग्राम बना करके ना आपने देखा, ठीक वैसे ही इसमें स्लॉट ऊपर की साइड है, मोटर के अंदर स्लॉट अंदर की साइड में थे। फर्क इतना ही है, कोयले बनानी है, डालनी है, कनेक्शन करने हैं, और कनेक्शन करने के बाद जो लीड वायर आते हैं मोटर के अंदर होते हैं तो वो सप्लाई से जोड़ते हैं, उसके बजाय यहाँ पर आपके स्लिप रिंग के ऊपर जुड़ जाएंगे कनेक्शन। लीड वायर यहाँ से निकाल के स्लिप रिंग पे जोड़ते हैं। यही अंतर है थ्री फेज इंडक्शन मोटर और थ्री फेज का अल्टरनेटर का आर्मेचर, वो रोटेटिंग आर्मेचर टाइप में आर्मेचर की वाइंडिंग। तो अभी अपन बनाएंगे इसका डेवलपमेंट डायग्राम आर्मेचर की वाइंडिंग का। तो इसके अंदर स्लॉटों की गिनती आपने कर ली, 48 स्लॉट हैं और चार पोल हैं। तो 48 स्लॉट और चार पोल, डबल लेयर वाइंडिंग यहाँ जैसे दिख रहा है, डबल लेयर वाइंडिंग क्योंकि लगातार एक भी स्लॉट छूटा हुआ नहीं है, तो डबल लेयर वाइंडिंग है। तो 48 स्लॉट 48 कॉइल, डबल लेयर होता है तो जितने स्लॉट होते हैं उतने ही कॉइलों की संख्या होती है। तो डबल लेयर में जितने 48 स्लॉट है तो 48 कॉइलें होगी, और चार पोल के लिए क्योंकि 1440 आरपीएम पे अल्टरनेटर हमारा घूमेगा तो चार पोल के लिए इसकी वाइंडिंग करनी है, इसकी डिजाइन अपने बनानी है। तो अभी फिलहाल आपने ये आर्मेचर देख लिया, स्लिप रिंग के कनेक्शन करके ना आपके स्लिप रिंग के साथ कनेक्शन कर देते हैं। अब डेवलपमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे देखें अभी बोर्ड के ऊपर, ठीक है। अभी अपन जो करने जा रहे हैं डेवलपमेंट डायग्राम थ्री फेज अल्टरनेटर का, जो एज ए थ्री फेज मोटर है वैसा ही होता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का जो आर्मेचर है जैसे थ्री फेज के मोटर की रिवाइंडिंग करते हैं वैसे ही करनी है। अभी इसके डाटा जो अभी अपनों ने देखे, टोटल 48 स्लॉट थे, 48 कोयले हैं, डबल लेयर है इसलिए, और पोल है चार। तो ये डाटा अपने पास में है, इसके आधार पर हम कैलकुलेशन करेंगे। ये फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। अब इसमें पीछे निकालना है तो स्लॉट बटा पोल 48 बटे 4 कर दिया तो 1 से 12, तो कॉइल पिच हमारे पास में आ गया है 1 से 12, ये तो आपका कॉइल पिच हो गया। 1 से 12 में आपको कॉइल डालनी है। दूसरा, कॉइल ग्रुप कितने बनाने हैं, कॉइल ग्रुप चार पोल है थ्री फेज है तो 12 ग्रुप बनेंगे, ये कैलकुलेशन करनी है। इसका अभी उपयोग होगा क्योंकि कितनी कॉइलें एक फेज की एक साथ सीरीज में ग्रुप कितने का बनाना है ये निर्णय इस कॉइल ग्रुप के आधार पर होगा। अब एक ग्रुप में कितनी कॉइलें होगी, कॉइल ग्रुप आपके 12 हैं, टोटल हमारे पास में 48 कॉइलें हैं, 48 में 12 का भाग लगा दो तो चार कॉइलें एक ग्रुप की हुई। इसका मतलब चार रेड कलर की, चार येलो, चार ब्लू, इस प्रकार से आपको चलना है। तो इसका उपयोग कॉइल ग्रुप निकालने का फार्मूला फेज इंटू पोल, इसकी सहायता से हम ये निर्णय लेंगे कि अपने को कितनी कॉइलें एक साथ सीरीज में करनी है। अब अपन स्टार्ट करें, ये 48 कोयले थी, 12 ग्रुप आपको चाहिए तो चार चार कोयलों का ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं रेड फेज, ये शुरुआत करिए आपने, क्योंकि डबल ले रहे हैं तो थोड़ा सा स्पेस इसमें छोड़ना पड़ेगा, दूसरी कोयल साइड भी आएगी। एक साइड इसकी यहाँ से शुरू हो रही है 1 से लेके 12 तक, तो पहली कोयल आपकी ये लगी है और ये स्टार्टिंग का लीड बाहर निकल गया है, ये एंडिंग का जो लीड है वो अगली कोयल के साथ जुड़ेगा। ऐसे ही, और वो भी अगली साइड जाएगी कोयल, अगला स्लॉट, एक भी स्लॉट खाली नहीं छोड़ना है, ये ध्यान में रखना है आपको। और टोटल आप लोगों ने जैसे ही कैलकुलेशन कर ली, हमने जैसे कैलकुलेशन कर ली है कि चार कोयलों का एक ग्रुप बनेगा तो चार एक ही कलर की कोयलें बनानी है। ये चौथी कोयल इसकी लास्ट, ये स्टार्ट एंड इसके साथ जुड़ गया और ये एक ग्रुप हमारा ये फाइनल हुआ है, ये एक ग्रुप बन गया। मतलब ये जैसे पहली कोयल का एंडिंग सिरा इससे जुड़ा हुआ है, इसका दूसरी कोयल का एंडिंग सिरा तीसरी कोयल से जुड़ा हुआ है, तो ये इंटरनली आपस में जुड़े हुए हैं। कोयलें भले चार अलग अलग हैं लेकिन आपस में जोड़ करके एक साथ चार कोयलों का एक ग्रुप बना दिया, तो ये बना आपका एक ग्रुप। अब नेक्स्ट लेंगे आप, अगला फेज आया, ये कोयल अगले फेज की आ गई,
ठीक है। ये अगले फेज की, इसमें भी ये भी आपके इसमें चार चार कोयले होगी। ये आपका एक ग्रुप दूसरा बन गया, ऐसे ही अगला ग्रुप आएगा। एक भी स्लॉट छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो लास्ट में जाकर के आपका जो सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा कि ये छूट कैसे गया। इसलिए थोड़ा ये ध्यान से बनाना है और एक भी स्लॉट छूटना नहीं चाहिए। चार कोयले एक कलर की लेनी है, मतलब एक फेस के हिस्से में जो आ रही हैं वो चार कोयले हैं। अब यहाँ तक तो सिंगल चल रहा था, यहाँ से डबल लेयर शुरू हो जाएगा। हर स्लॉट में आपको दो कॉइल साइड आती है, तो हमारा जैसे ये यहाँ से डबल लेयर शुरू है। अब अपन कंटिन्यूस करते जाएंगे तो आगे से आगे ये हो जाएगा ये। लेकिन ये ध्यान में भी रखना है आपने को, एक फेस की ये चार कोयले हो गई। अब अगला लिया हमने, इसमें भी आपने डबल लेयर, अब यहाँ से ये डबल लेयर की कोयले डालते जाएं आप ऐसे लगातार। स्लॉट एक भी छूटना नहीं चाहिए और कंटिन्यूस आप ऐसे करते जाएं। ऐसे ही आपको वाइंडिंग इसकी दोबारा करनी है तो आप पहले ये डेवलपमेंट डायग्राम बना लें, बाकी काम जो है वो अपन रीवाइंडिंग करते हैं। तो वायर के टर्न और वायर की साइज़ वो उसकी डिज़ाइनिंग पे डिपेंड करता है, कितने हॉर्स पावर के लिए कौन से तार का गेज लेना चाहिए और जब कंपनी ने बनाया उस समय टर्न कितने लगाए, जो स्लॉट के हिसाब से वो कर दिया। अब नेक्स्ट आपका हो गई ये चार कोयले। ये ध्यान रखना है आपको कि हर एक में चार चार कोयले होने चाहिए। तो पहली कोयल एक डाल दी, उसका एंडिंग सिरा, अगली जो कोयल आ रही है उसके स्टार्ट सिरे से जुड़ेगा और कुल मिला के अपने को 12 ग्रुप इसमें डालने हैं। स्लॉट कंटिन्यूस, आप करते जाएं ऐसे ही। ये लास्ट कोयल है ना, हो गई चार इसकी, इसमें जाएगा जाएगा। ये एक ग्रुप हो गया, अपन जो वाइंडिंग करने जा रहे हैं ये डबल लेयर चार पोल और 48 स्लॉट हैं तो कोयले भी 48 ही होगी। कंसंट्रेशन पूरा बना के रखना है, ये ध्यान रखना कि कोई मिसिंग नहीं हो जाए। हालांकि पिछले वीडियो में आपने देखा ही है अलग अलग तरह की मोटर के डेवलपमेंट डायग्राम,
कितने ग्रुप की वाइंडिंग हो चुकी है अब तक, कितने ग्रुप अपन डाल दिए स्लॉट के अंदर। यूँ समझ लो कि जैसे ये लाइनें चल रही हैं वैसे के वैसे ही आपके स्लॉट भरते जा रहे हैं। मोटर अथवा आपका आर्मेचर, उसके स्लॉटों में अपन कोयले डालते जा रहे हैं। ये लगातार जो ऐसे ही कोयले अंदर स्लॉटों में जाती रहेगी। लगभग आधे से ऊपर वाइंडिंग अपन कर चुके हैं। कुल ग्रुप जो है, ग्रुप की गिनती करते जाओ, कितने ग्रुप, टोटल 12 ग्रुप अपने को इसके अंदर डालने हैं। अभी तक कितने ग्रुप डाल चुके हैं, हैं? 7 ग्रुप अभी डाल चुके हैं। ये 7वां ग्रुप था, है ना? ये 7वां ग्रुप था। अब अगला नेक्स्ट यहाँ से शुरू होगा। कंटिन्यूस देखते जाएं, एक आध भी अगर मिसिंग हो गया तो आपकी ड्राइंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। हमने ये आधी मोटर तो बना दी है, अगली ये जारी है। अब जैसे ये ड्राइंग में बन रहा है वैसे ही आप फर्मे पे कोयले बना के और मोटर या अल्टरनेटर का आर्मेचर उसमें आप फिट करते जाएं। वायर गेज और टर्न उसके हॉर्स पावर पे डिपेंड करते हैं, इसलिए तार मोटा लेना कि पतला लेना ये निर्णय जो है वो मशीन की डिज़ाइन पर आधारित है। कितने ग्रुप हो गए? 8 ग्रुप हो गए। ये 9वां ग्रुप आ रहा है, है ना? मैं स्लॉट भी देखते जाना कि कोई स्लॉट मिसिंग नहीं हो जाए। अभी तक मिसिंग तो नहीं हुआ ना, है? नहीं तो लास्ट में जाके मालूम पड़ेगा कि एक स्लॉट छूट गया तो फिर लास्ट में ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। फिर एक स्लॉट या तो खाली छूट जाएगा, फिर अगली कोयल की साइड डालेगा, है? तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? 9वां। हाँ, अभी हमने ये 9 ग्रुप डाल चुके हैं। अब हर एक ग्रुप में 4-4 कोयले आनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो किसी ग्रुप में आप 3 कोयले डाल करके छोड़ दो तो भी सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। अब अगला जो है अब यहाँ पर आकर के ना हमारा जो 48वां स्लॉट है वो भी भर गया। तब इस कॉइल की दूसरी साइड ये कहाँ जाएगी? ये 1 नंबर डाल देते हैं। ये इधर से इसकी दूसरी साइड यहाँ आएगी 1 नंबर, ऐसे ये स्लॉट को भर देगा। यहाँ से दूसरी साइड से आ रहा है, ये 2 नंबर स्लॉट में जाएगा। जो 2 नंबर से आ रहा है रिटर्न वो ये 3 नंबर में। अब यहाँ पर ये 3 नंबर में ये यहाँ से ये बाहर निकलेगा। कितने हो गए? कौन सा ग्रुप हो गया ये? अगला 10 ग्रुप हो गए। ये 11वां ग्रुप है ना, स्टार्ट सिरा बाहर।
यहाँ से ये चौथे नंबर स्लॉट में, ये चौथे नंबर स्लॉट से अब ये जाएगा पांचवें, ये पांच से जो निकला है ये छह में, जम जाएगा। बड़ा लोगे भी कैसे है, ये आपके यहां से ये बाहर निकला। अब लास्ट आपका ग्रुप जो रह गया है, लास्ट ग्रुप ये यहां से आठ पे जाएगा, ये नौ में, ये दस में, और ये लास्ट कॉइल अब आपके ये कॉइल है सारी बैठ गई। हमने ये पूरा पूरा जो है ना कॉइल हमने स्लॉट में डाल दिया, ठीक है, स्लॉट में डाल दी। स्लॉट में डालने के बाद अब आगे के कनेक्शन कैसे करेंगे, सबसे पहले आर फेज लेते हैं हम। रेड ये लीड वायर बाहर निकाला हमने, यू वन, ठीक है, इसका जो एंडिंग बचता है अगले आर के एंडिंग से जोड़ना है आपको, अगले आर के एंडिंग से जोड़ना है। ये आपका स्टार्ट सिरा बच रहा है अगले आर के स्टार्ट से, स्टार्ट स्टार्ट और एंड एंड जोड़ना है। ये एंड बच गया, वो अगला आर का एंड इधर है कि इस साइड में है, दूसरी साइड में है ना, तो आप इसको घुमा के लाते हैं अपन, जो इस साइड से निकला था यहाँ जोड़ दिया। अब ये सिरा आपका बाहर निकला है, ये आपका हो गया यू टू, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला फेज लेते हैं, ये आपका वी टू, यहाँ से ये जो निकला है एंड सिरा निकला अगले ग्रुप के एंड से, ये स्टार्ट बच गया अगले से, स्टार्ट से ये एंड बचा है, वो इसके एंड साइड चेंज है, इसलिए हम इसको इधर ले आते हैं, ये जुड़ गया। अब यहाँ से ये सिरा आपका बाहर निकला है, ये आपका वी वन है। अब ऐसे ही ये सिरा निकला आपका डब्ल्यू वन, इसका एंडिंग इसके एंड से जुड़ देंगे, ये स्टार्ट जो बच गया है अगले ग्रुप के स्टार्ट से होगा, ये जो एंड बच गया है उसका एंड इस साइड में है, इसलिए हम उसको ले आते हैं।
ये एंड से एंड जुड़ गया और आपका ये सिरा बाहर निकला आपका ये W2। ये कुल मिला के 6 सिरे निकल गए अपन आर्मेचर में। इस प्रकार से ये 6 को अलग अलग करके आपको टेस्ट करना है। अब चूंकि हमेशा अल्टरनेटर का जो आर्मेचर होता है वो स्टार कनेक्टेड ही होता है, डेल्टा में नहीं होता, स्टार ही होता है। मोटर अगर है तो स्टार या डेल्टा 6-6 वायर बाहर निकाल देंगे, मोटर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आर्मेचर में स्टार करके ना, क्योंकि अपने को न्यूट्रल लेना है। तो अब स्टार कैसे बनाएंगे, 1-1 वाले सिरे शॉर्ट कर दो या 2-2 वाले सिरे शॉर्ट कर दो। तो अपन एक ये U1 ये सिरा लेते हैं, ठीक है, ये U1 और ये W1 और एक V1 उधर है ना। तो आपका ये V1 सिरा ले लेते हैं, इनको शॉर्ट कर दिया, ये V1 सिरा शॉर्ट कर दिया, ठीक है। हमने इन तीनों को शॉर्ट कर दिया तो ये आपका बन गया स्टार पॉइंट, है ना। 1-1 सिरे शॉर्ट हो गए, ये स्टार पॉइंट हो गया। तो एक स्लिप रिंग यहाँ से कनेक्ट करनी है, एक स्लिप रिंग को आपको यहाँ से कनेक्ट करनी है, ऐसे रिंग के ऊपर कनेक्शन करने हैं। ये न्यूट्रल के लिए हो गई ये स्लिप रिंग, ठीक है। अब एक स्लिप रिंग जब वो यहाँ से हो जाएगी, ये फेज हो गया आपका वाई फेज और ये आर फेज और ये आपका बी फेज, आर वाई बी। इस प्रकार से ये तीनों फेज की स्लिप रिंग है और आपका ये न्यूट्रल, ठीक है। अभी आप लोगों ने देख लिया ना डेवलपमेंट डायग्राम, इस ढंग से इसमें वाइंडिंग करनी है। अभी फिलहाल जो वाइंडिंग ठीक ठाक है, अगर मान लो दोबारा रिवाइंडिंग करने की ज़रूरत पड़ जाए तो आसानी से आप इसको खोल के कर सकते हैं ना, है ना। अभी आपको टेस्ट करना है, क्योंकि ये बॉडी शॉट बता रहा था। आपको क्या करना है, यहाँ से ये बोल्ट खोल करके ना इसका लीड वायर अलग करना है। यहाँ कनेक्शन इसके यहाँ कर रखे हैं, यहाँ पर आपको स्पैनर से ये बोल्ट अलग करने हैं। ये बोल्ट अलग करके ये जो कनेक्शन कर रखे हैं इन सबको खोलना है और चेक करना है कौन सी कॉइल बॉडी शॉट हो रही है। आसपास में कहीं अगर मान लो इंसुलेशन खराब हो गया उसको रिपेयर कर देते हैं, नहीं तो फिर निकालनी पड़ेगी उस कॉइल को। यहाँ से ये सारा धागा खोल करके या कनेक्शन खोलें, उसके बाद ये जो लीड वायर है उसको खोल के अलग कर दें। आर वाई बी तीनों जैसे ये वाइंडिंग जैसे अपने डेवलपमेंट डायग्राम बनाया इसमें देख लेते हैं, आर फेस की वाइंडिंग के U1 U2 V1 V2 W1 W2, तो वो जॉइंट भी आपको खोलना है। जॉइंट खोल करके फिर आपको चेक करना है कि कौन सा फेस की वाइंडिंग बॉडी शॉर्ट हो रही है, ठीक है। तो अगला काम आपको ये करना है, ये कॉटन टेप खोल करके अब सारे कनेक्शन अलग अलग करने हैं और उसको एक बार चेक, ठीक है। बस